हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोकीहुड। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी अपने एमआई की डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा मेन मेन्यू और इस जो मेन्यू है ये शो हो रहा है, इसमें आपके जो डिवाइस है वो स्टक हो चुका है और वो ओपन नहीं हो रहा है, आप उसको रिबूट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से इसी सर्कल पर आ जा रहा वापस, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल कभी कभी जो आपके जो डिवाइस होता है वो लूप होल में स्टक हो जाता है। अगर आपका डिवाइस कभी हैंग हुआ होगा और आपने उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की होगी तो वो एक लूप होल में स्टक हो जाता है, तो जिसके कारण आप उसको जब रिबूट करते हो तो वो रिबूट नहीं होता है और फिर से ये मेन्यू बार बार ओपन हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तीन मेथड है। तो यहाँ पर एक सेफ मोड का ऑप्शन दिख रहा है, अगर सेफ़ मोड का ऑप्शन दिख रहा है तो आपने डिवाइस को एक बार सेफ मोड में चला के देखिए, क्योंकि सेफ मोड में से कभी कभी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर बाय चांस सेफ मोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वाइप डाटा का ऑप्शन है, पहले तो आपने जो डिवाइस का बैकअप है वो ले लीजिएगा किसी लैपटॉप में। तो लैपटॉप में बैकअप लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइप डाटा का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद ट्राई करना है। तो क्या क्या हो रहा है, कभी कभी किसी यूसेज का वो वाइप डाटा कर रहे हैं और तभी फिर यही मेन्यू ओपन हो रहा है। तो आपको FRP जो लॉक होता है उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है, और जो पावर बटन होते हैं उनको दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तो फिर ट्राई करना है। अगर उससे भी सॉल्व ना हो तो आपको फिर केयर सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि आपका जो स्ट्रक हो चुका है फ़ोन। तो होप करता हूँ कि आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।